ऐसा प्रयास करना है, हमारा आपका जीवन धन्य बने। भगवान ने हर रिश्ते को बहुत प्यारा दर्शन कराया। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। वैसे नियम होता है कि जिस दिन जिस ग्रंथ की कथा हम शुरू करें उसकी थोड़ी महिमा गानी चाहिए, थोड़ी उसका थोड़ा उसका परिचय देना चाहिए। महात्मा जिसको कहते हैं ना, महात्मा का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, परिचय। और जरूरी भी होता है क्योंकि बगैर परिचय के भरोसा नहीं होता और बगैर भरोसे के प्रेम नहीं होता। अब कोई भी नए व्यक्ति पर हम भरोसा थोड़ी करते हैं, उस पर हमको भरोसा होता है, और भरोसा यदि है तभी प्रेम होता है। तो बगैर जाने जाने बिनु न हो ही पड़ती, जाने बिनु न हो शुरू करें उसका थोड़ा परिचय दे देना चाहिए।
रामायण से तो आप सभी परिचित हो, फिर भी एक दो औपचारिकताएं जो होती हैं मैं आपको कह दूं। रामायण एक संत ने कहा एक आईना है। रामायण का परिचय आपको देना हो कि रामायण क्या है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि रामायण एक आईना है, शीशा है जिसमें हम अपना मुख देखते हैं। रामायण आईना है। जैसे आईने के सामने आप खड़े हो जाते हो तो आईना आपको बता देता है कि आप कैसे दिख रहे हो। हाँ, आपकी बाल ठीक है कि नहीं, आंखों में काजल ठीक से लगा है कि नहीं, हाँ सारा कुछ आईना आपको बता देता है। कहीं आपका मेकअप कुछ गलत हो गया है तब भी आईना बता देता है। हाँ, आईलाइनर फैल गया हो तो वो भी आईना बता देता है कि जरा ठीक कर लो। और समझदार वही है कि जब कुछ गड़बड़ हो तो उसको ठीक कर लेने वाला ही समझदार होता है। रामायण भी आईना है, हमारे जीवन का दर्शन कराता है। आपके जीवन में भी इन 7 दिनों में इस रामायण के आईने में अपने आप को देखना कि हमारा जीवन राम से मिलता जुलता है या रावण से मिलता जुलता है, माता सीता से मिलता है या सूर्पणखा से मिलता जुलता है। कहीं कुछ कमी लगे तो उस चरित्र को ठीक कर लेना, यही कथा का परिणाम है। अपने जीवन को जरा ठीक कर ले। कहीं कोई समझदार वही है कि उसको लगा पता चले कि चेहरे पर कहीं कोई दाग लग गया है, कहीं कोई काली लग गई तो उसको मिटा लेने वाला ही समझदार होता है। अब आईना देखने के बाद भी तुम कुछ ठीक ना करो तो फिर आईना देखने का मतलब क्या। कथा श्रवण करने के बाद भी यदि जीवन की कमियों को दूर न किया जाए तो कथा का कोई महत्व नहीं। तो रामायण एक आईना है। अथवा तो एक संत ने कहा कि नहीं, रामायण सुरतरु है। सुरतरु मतलब कल्प वृक्ष, देवताओं का वृक्ष। और सुरतरु की महिमा आप जानते हैं कि उसके नीचे बैठकर जो भी सोचा जाए ना वह पूर्ण होता है। रामायण सुरतरु की छाया, शांति से चुपचाप बैठो, बैठे बैठे कब समाधि लग जाती है वो तो जब बगल वाले पर गिरते हो तब पता चलता है। हाँ, इसलिए गुनगुनाते रहो, गाते रहो, नींद नहीं आई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय आया। आप जो भी सोच कर आएंगे भरोसा यदि है तो जरूर पूर्ण होगा।
लेकिन शुभ सोच कर आना, किसी के लिए गलत सोच कर मत आना, उसकी गारंटी नहीं। शुभ सोच कराओगे और आपके हित में होगा तो परमात्मा जरूर पूर्ण करते हैं। चलता फिरता एकल वृक्ष है, बहुत सारी महिमा रामचरित मानस की गाई गई है, मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूं। और शुरू में बालकांड से बाबा तुलसी ने शुरू किया है और बालकांड के भी आरंभ में सात श्लोक लिखे हैं। सात श्लोकों से इस कथा को आरंभ किया है। पहला श्लोक मैं आपको दर्शन कराऊं, वहां से हम आरंभ करेंगे। गणेश भगवान और माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए कथा को आरंभ किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तार वंदे मां मंगलानाम च कर्तार वंदे मां भवानी शंकर वंदे भवानी शंकर वंदे भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास बिना न पश्यन्तस्तमीश्वर सबसे पहले भगवान गणेश को और माता सरस्वती को प्रणाम किया। अब एक ही साथ दोनों को प्रणाम करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम लोगों को एक बात बताई। ध्यान देना, ज्यादातर हम लोग गणेश जी के साथ लक्ष्मी की वंदना करते हैं। हाँ, लक्ष्मी की वंदना हो ना तो गणेश जी की वंदना करनी जरूरी है, क्योंकि लक्ष्मी जब अकेली आती है ना तो उल्लू पर बैठकर आती है। विष्णु भगवान के साथ आती है तब तो गरुड़ पर आती है, अकेली आएगी तो उल्लू पर बैठकर आती है। अब उल्लू पर बैठकर आती है तो फिर हमको भी आगे समझ जाओ। हाँ, इसलिए कभी भी लक्ष्मी आए ना तो लोग गणेश जी को साथ में वंदन करते हैं कि गणेश जी विवेक के देवता है, कि लक्ष्मी आए फिर भी हमारा विवेक ठीक रहे इसलिए गणेश जी को प्रणाम किया जाता है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। यहां तो स्वामी तुलसीदास जी ने गणेश जी के साथ सरस्वती माता को प्रणाम किया। सरस्वती वाणी की देवी हैं और गणेश जी ज्ञान के देवता हैं। संसार में वह व्यक्ति सुखी है जो कब कहां क्या और कैसे बोलना है जिसको उसका ज्ञान है। अपनी वाणी बहुत विवेक पूर्वक विचार करके फिर प्रयोग कर। सरस्वती जी के साथ गणेश जी को वंदन करने का मतलब इतना ही है कि जीवन का आरंभ करते हो प्यारे तो सबसे पहले अपने वाणी पर कंट्रोल रखना। कहां बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसका ज्ञान होना चाहिए। तो कई लोगों की वाणी बहुत अच्छी होती है लेकिन कहां क्या बोलना है उसका ज्ञान ही नहीं होता। और कई लोगों के पास ज्ञान बहुत है लेकिन वाणी बोलने की कला नहीं है उनके पास। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और कई लोग देखो इतने ज्ञानी महापुरुष होते हैं लेकिन वो किसी को समझा नहीं पाते हैं। और कई लोगों के पास इतना ज्ञान नहीं होता, वाणी बहुत अच्छी होती है और समझा लेते हैं। तो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। वाणी भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। अब हमारे यहां देखो किसी की डेथ हो जाती है तो बोलते हैं ना राम नाम सत्य है। हाँ, अब किसी की शादी हो वहां तुम जाकर पहुंचो और वहां जाकर बोलो राम नाम सत्य है। हाँ, अब राम का नाम झूठा नहीं है, ब्रह्म सत्यम, लेकिन कहां बोलना है इसका ज्ञान तो होना चाहिए। अब शादी हो और वहां भी तुम जाकर कहो राम नाम सत्य है, डंडे लेकर भगाएंगे तुम्हें कि यहां बोलने जैसा
कहां बोलना है इसका ज्ञान होना चाहिए। हमारी वाणी विवेक पूर्वक यदि निकले तो हम संसार में सुखी। सारी लड़ाई संसार में जो इसी वाणी के द्वारा ही तो है। हाँ, सास बहू की लड़ाई क्यों होती है? एक दूसरे से बोलने के कारण ही तो होती है। सास कुछ बोलती है, बहू से ज्यादा खतरनाक बोल देती है और दोनों का ही दुश्मन। वाणी के द्वारा बहुत सारे झगड़े होते हैं। दो व्यक्ति यदि मौन रहे ना तो वहां लड़ाई नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे। वाणी के द्वारा झगड़े होते हैं। इसलिए एक महात्मा ने बहुत अच्छी बात कही, देखो शरीर में कहीं चोट लग जाती है ना, तो कोई दवा खाने से अथवा तो उस पर कुछ लगाने से ठीक हो जाता है। जीभ ऐसी है, शरीर के पूरे हिस्से में जीभ में कोई दवा नहीं लगती, जीभ में खुद एंटीबायोटिक होती है, अपने घाव को जीभ खुद ठीक करती है। तो जीभ में चोट लग जाए तो बहुत जल्द ठीक हो जाती है, लेकिन किसी को जीभ से चोट लग जाए ना तो वह कभी ठीक नहीं होता है प्यारे। इसलिए जीभ से किसी को चोट ना लगे, हमारी वाणी के द्वारा किसी को कष्ट ना हो, हमारी वाणी के द्वारा किसी को तकलीफ ना हो। दो शब्द मीठा बोलने में क्या जाता है? हाँ, कोई हमारे द्वार पर आए, कोई हमसे मिले, दो मीठा बोल दो, तुम भी खुश हो सामने वाला भी खुश। लेकिन कई बार हम वाणी का ही प्रयोग ठीक नहीं करते हैं, विचार कर नहीं करते हैं, किसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसका हमारे पास ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ज्यादातर संसार में हमारे रिश्ते तल्ख हो जाते हैं, कड़वी हो जाते हैं। हमारी वाणी अच्छी हो, विवेक पूर्वक विचार करके तब हम बोलें। देखो कहते हैं जीभ में हड्डी नहीं होती, आपकी जीभ में हड्डी नहीं, लेकिन ये जीभ चाहे ना तो शरीर की सारी हड्डियां तुड़वा जरूर सकती है। बिना जीभ की हड्डी किसी पहलवान को दो चार गाली दे दिया, पहलवान उठाकर पटकेगा और गोविंदा नमो नमः। इसलिए जीभ को बहुत प्रयोग करके, बहुत विचार करके प्रयोग करो। शरीर के किसी भी भाग को प्रभु ने लॉक में नहीं रखा है, लेकिन जीभ है ना, इसको डबल लॉक लगाया है प्रभु ने। आगे होठों का लॉक है, उसके पीछे एक और मजबूत लॉक दांतों का। बहुत संभाल कर प्रयोग करना है। संसार में वो सुखी है जो विवेक पूर्वक अपनी वाणी का प्रयोग करता है। इसलिए आरंभ में, शुरू में ही बाबा तुलसी ने गणेश भगवान और माता सरस्वती को प्रणाम किया। संगीत में कथा है इसलिए आओ एक मिनट के लिए माता सरस्वती को हम लोग भी प्रणाम करें। जय 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 हे पाणी, जय 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 Oh,
सुरों की संगीत में साथ सुर नीरे का विश्वास हैं और भवानी पार्वती श्रद्धा है। अब श्रद्धा ही नहीं होगी तो कथा में आओगे ही नहीं। हाँ, और कथा में आ भी गए
तो सुनने के बाद यदि भरोसा नहीं है ना, तब भी सुना हुआ खाली चला जाता है। इसलिए श्रद्धा से सुनो और जो कहा जाए उस पर भरोसा करो। भगवान शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणः। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हो, बगैर श्रद्धा के धर्म नहीं होता, और धर्म के मार्ग पर चल रहे हो लेकिन भरोसा ही ना हो तो चलना व्यर्थ है। हाँ, अब मंदिर में कोई आए लेकिन भरोसा ही ना हो तो मंदिर में आना बेकार है। धर्म के मार्ग पर भरोसा, श्रद्धा भी हो और भरोसा भी हो। भगवान शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्याम विरान पश्यन्ति सिद्धा स्वामस्तमेश्वरम। जो बड़े बड़े सिद्धों के हृदय में परमात्मा का निवास है, जिस श्रद्धा के बगैर, जिस विश्वास के बगैर उनका दर्शन नहीं हो पाता है, दिखाई नहीं देते हैं वो, ऐसे भगवान शिव और पार्वती को श्रद्धा विश्वास मानकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदन किया, प्रणाम किया। और मैं संक्षेप में वंदना आपको दर्शन करा दूं, क्योंकि बहुत डिटेल से यदि हम वंदना प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे तो वंदना प्रकरण इतना बड़ा है कि 7 दिन तो वंदना में ही निकल जाए। और फिर हमें राम जी की और कथाएं भी तो सुननी है ना, इसलिए 7 श्लोकों में तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है, वंदन किया है। और कई लोगों को यहां भी शंका होती कि 7 ही श्लोक में प्रणाम क्यों किया, 6 में ही कर लेते, 8 में कर लेते, 7 श्लोकों से प्रणाम क्यों? उसके पीछे भी संतों ने अपने अपने भाव बताए हैं। एक संत का मानना यह है कि हमारे जीवन में 7 ग्रंथियां होती हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार इत्यादि, ये 7 ग्रंथियां होती हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानो इशारा किया कि रामायण का जो आश्रय करता है उसके जीवन की 7 ग्रंथियां टूट जाती हैं और वह इन 7 ग्रंथियों से ऊपर उठकर वैराग्य के मार्ग पर चलता है और प्रभु को पा लेता है। एक कारण तो ये। दूसरा कारण, एक संत ने ऐसा भी बताया, 7 श्लोक से शुरू इसलिए किया, कई लोग मुहूर्त और दिन इनको बहुत मानते हैं कि शनिवार को राम कथा शुरू करे कि नहीं, हाँ, मंगलवार को रामायण पढ़े कि नहीं, बुधवार को करें कि नहीं, बहुत लोग इन नियमों को बहुत मानते हैं। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी का इशारा है कि भक्ति के मार्ग पर चलना हो, रामायण का आश्रय करना हो ना, तब दिन को मत देखना। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मत, दिन की कोई नियमावली नहीं। अब भोजन करते हो तब ये थोड़ी देखते हो कि आज शनिवार होगा, खाएं कि नहीं खाएं। जब भोजन हम रोज करते हैं तो बदन भी रोज करे। सदा सिव्या श्रीमद भागवती कथा को नित्य सेवन करो। भक्ति सिजनल नहीं होनी चाहिए, हाँ, सदा ही होनी चाहिए। मैं देखता हूं कि आजकल लोग भक्ति को भी सिजनल बनाने लगे। हाँ, नवरात्रि आती है तब तो इतनी भक्ति चढ़ जाती है हमारे सिर पर, जैसे ही नवरात्रि गई भक्ति भी गई। हाँ, लुधियाना में एक भाई ने पंजाब में मुझे कहा कि बापू मैं नॉनवेज खाता हूं लेकिन 2 दिन छोड़ देता हूं, गुरुवार और मंगलवार को बिल्कुल हाथ नहीं लगाता हूं। मैंने कहा बाकी के 5 दिन? बोले बाकी के 5 दिन तो फिर चलता है। फिर मैंने कहा ये कौन सी बात हुई कि 2 दिन तूने छोड़ दिया है, हाँ, ये कोई तूने भगवान के ऊपर उपकार किया? या तो खाओ तो 7 दिन खाओ, न खाओ तो फिर 1 दिन न खाओ, ये दिखावा नहीं, ये ढोंग नहीं। दिनानाम नियमो नास्ति, नियम का पालन करते हो तो हर दिन करो, दिखावा नहीं, ढोंग नहीं, धर्म के मार्ग पर पाखंड नहीं। ये तुम कोई उपकार नहीं कर रहे हो भगवान के ऊपर कि 2 दिन तुमने छोड़ दिया और भगवान बड़े खुश हो गए कि वाह बेटे, हाँ, 2 दिन तुमने छोड़ दिया, चल आ गया।
बड़ा उपकार कर दिया तुमने, 2 दिन तूने मान साहब हार नहीं किया। ये ढोंग है दिखावा। धर्म कार्य करो तो नियम से करो और 7ों दिन करो। किसी भी दिन रामायण को शुरू किया जा सकता है ये बताने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोकों से शुरू किया। एक संत संगीतकार थे तो उन्होंने अपने ढंग से अर्थ दिया कि मुझे ऐसा लगता है संगीत में 7 सुर होते हैं। अभी मैंने बताया ना सारे गामा पधनी, ये 7 सुर होते हैं। तो रामायण एक ऐसा ग्रंथ है कि किसी भी सुर से किसी भी राग में रामायण को गाया जा सकता है। ऐसा प्यारा ग्रंथ है रामायण, किसी भी राग में गाए। संगीत में बहुत सारे राग होते हैं, आशावरी है, मालकोष है, केदार है, भैरवी है, बहुत सारे राग है। किसी भी राग में रामायण को गाया जा सकता है, इसलिए 7 श्लोकों से शुरू किया। फिर बाबा तुलसी ने ये तो संस्कृत में प्रणाम किया था, अब जब हिंदी भाषा में लिखना शुरू किया तो सबसे पहले बाबा ने अपने गुरुदेव को वंदो गुरु पद सदगुरु इतने महान हैं उनकी महिमा को कौन गा पाए। इसलिए बाबा तुलसी ने कहा भाई मुझ में वो सामर्थ्य नहीं कि मैं गुरु को वंदन कर पाऊं, मैं तो उनकी चरण धूल को प्रणाम कर लूं, मेरे लिए उतना ही काफी है। क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। जब साक्षात परम ब्रह्म है वो, वैसे गुरु को कौन वंदन कर पाए, उनकी चरण धूल को प्रणाम। वंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरति सुवास सरस अनुदागा। जिन गुरुदेव की कृपा से हमें 4 चीजें मिलती हैं, ऐसे गुरुदेव को प्रणाम किया। कौन कौन सी 4 चीजें मिलती हैं गुरु के शरणागत होने पर, ध्यान देना, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। 4 बातें बताई। सबसे पहली बात ये कि गुरु के शरण में जाने पर जिस व्यक्ति को संसार से अरुचि हो गई, संसार में मन नहीं लगता है, संसार उसको फीका फीका लगने लग जाता है, ऐसा व्यक्ति भी सदगुरु की शरण में चला जाए तो उसको सुरुचि हो जाती है, अपने जीवन से सुरुचि हो जाती है। कई लोग इतने उदास हो गए हैं, इतने उदास होते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, 24 घंटे बैठे बैठे मुंह लटकाए रखे,
काय को दुनिया बनाई, क्यों जीवन दिया प्रभु ने, ऐसी जिंदगी तो चाहे मैं मर जाऊं, ऐसे टेंशन में रहते नहीं तो। ऐसे उदास लोग किसी महापुरुष के शरण में चले जाएं तो उनको भी अपने जीवन से प्यार हो जाता है, क्योंकि तन बिन वेद भजन नहीं भरना, तन के बगैर भजन कैसे कर पाओगे। अपने जीवन के प्रति उनको सुरुचि हो जाती। दूसरी बात सुवास, सुवास का मतलब होता है सुगंध। ऐसे लोग जिनके जीवन में दुर्गुणों का दुर्गंध है, वासनाओं का दुर्गंध भरा हुआ है, ऐसे लोग भी महापुरुषों के शरण में चले जाए तो उनका जीवन सदगुणों के सुगंध से सुवासित हो जाता है, धन्य हो जाते हैं वे। कांटे भी महकने लगते हैं, कांटों से भी खुशबू आए। किसी सूफी की बहुत प्यारी पंक्ति, शाखों को तुम क्या कर दे, देखी और दीवाना कर दे।
लगाओ। घर पर उदास रहते हो यहाँ तो मुस्कुराओ। मस्ती में बैठो, टेंशन नहीं लेने का। राम कथा आनंद देती, एक संत ने बहुत अच्छी बात कही कि जब परमात्मा हंसते हंसते मिलने को तैयार है तो फिर रोया क्यों है? हाँ, जब मुस्कुराने से वो मिलने को तैयार है तो फिर उदास क्यों होता है? शायद उसे आगे वाले दो दांत दिखते रहना चाहिए। मतलब प्रश्न में रहो। एक जगह एक भाई ने मुझे पूछा कि आप कहते हो आगे वाला दो दांत दिखे लेकिन आगे वाला हो ही ना, तो खुश रहो प्रश्न जो है वही दिखाओ। शायद उसको दारू आए, शायद उसको दारू आए, देखें और दीवाना कर दे, देखें और दीवाना कर दे, देखें और Thank you.
जिसका जो एक शय शाखों को तुम क्या छुआए कांटों से भी खुश हुआ। शाहों की निगाहों में अदब तासीर होती है, शाहों की निगाहों में अदब तासीर होती है, निगाहें लुत्फ से देखे तो खाक अक्सीर होती है। ये शाहों की निगाहों की कमाल है। निगाहें मर्द आलम से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहें मर्द आलम से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर विश्वास सच्चा है तो कट जाती हैं जंजीरें, अगर विश्वास सच्चा है। ये सदगुरु का कमाल है, जिसका जीवन दुर्गुणों के दुर्गंध से भर गया है, ऐसे व्यक्ति के जीवन को भी सुगंधित कर देते हैं। सुरुचि सुवास सरस अनुराग, सुरुचि सुवास। तीसरा शब्द है सरस। गुजराती में भी सरस शब्द आता है, सरस अच्छा हाँ, लेकिन हिंदी में इसका अर्थ करना हो तो सरस का मतलब है रस से भरा हुआ। सरस रस सही, जिसके जीवन में बड़ी निरस्ता हो गई, जो जीवन के हर क्षेत्र में निराश हो गए हो, ऐसे लोग भी सदगुरु की शरण में चले जाएं तो उनका जीवन भी सरस हो जाता है। हाँ, सुरुति सुवास सरस। और चौथी बात, सदगुरु की शरण में जाने पर एक खास चीज हमको मिलती है और वह है अनुराग। कल लेस्टर में कथा विराम हुई तो कल भरत जी का प्रसंग मैंने थोड़ा सा लिया। तुम मम प्रिय भरत समभाए, हनुमान चालीसा की चौपाई है कि भगवान ने हनुमान जी को कहा कि तुम भरत जैसे मुझे प्रिय हो। तो भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग में बड़ी प्यारी मांग की, कहा मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम और मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, तो जन्म जन्म रति राम पर यह वरदान नाम, जन्म जन्मांतर मुझे मेरे प्रभु के चरणों में प्रेम बढ़ता रहे, ऐसी कृपा करो। तो प्रयागराज ने बहुत अच्छी बात कही कि भरत जी, जो मुझे आपसे मांगना चाहिए वो आप उल्टे मुझसे मांग रहे हो। प्रेम का दान कोई भरत जैसा संत दे सकता है, कोई सदगुरु दे सकता है। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इशारा किया, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। अनुराग का मतलब होता है प्रेम। जिस अनुराग के बगैर परमात्मा नहीं मिलते हैं, वो अनुराग कहां मिलता है? सदगुरु की शरण। इसलिए वंद हूं गुरु पद पद्म परागा, सुरुति सुवास सरस अनुराग। जिसको राम से अनुराग करना हो ना, वो सदगुरु के शरण में जाए। इसलिए हमारे यहां सदगुरु की बहुत महिमा है। सदगुरु का मतलब है जो भगवान से हमें प्रेम करा दे। मिले कोई ऐसा संत पति, oh,
जो हमें राम के चरणों से अनुराग करा दे, ऐसे सदगुरु को बाबा तुलसी ने प्रणाम किया। वंदम गुरु पद पदुम पराग सुचि सुवास सरस से और दो चीजें मांगी, दो वरदान मांगा। हे गुरुदेव ऐसी कृपा करो, उघर ही विमल विरोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के। ऐसी कृपा करो मेरा मन पवित्र हो जाए और मेरे नयन पवित्र हो जाए, मेरी दृष्टि पवित्र हो जाए। देखो सदगुरु एक कृपा और करते हैं, हमें दृष्टि प्रदान करते हैं। हमारे पास आंख तो है लेकिन दृष्टि नहीं है। संसार को देखने की यदि दृष्टि आ गई ना तो आप धन्य हो सकते। देखने देखने का नजरिया है प्यारे। हाँ, अब कई लोगों को संसार बड़ा बेकार दिखाई देता है, कई कई लोगों को हर चीज देख करके प्रभु की याद आती। हाँ, स्वामी रामतीर्थ के विषय में एक बड़ी प्यारी घटना है। स्वामी रामतीर्थ साक्षात हनुमान जी से बातें करते थे। एक बार उनको खुमारी चढ़ी, वैराग्य चढ़ा और एकदम मस्ती में बाबा लाहौर के, उस वक्त ये सब भारत में हुआ करता था, लाहौर के बाजार में स्वामी रामतीर्थ घूमने निकले। बड़े मस्त फकीर साक्षात प्रभु से बातें करने वाले, अपनी मस्ती में घूम रहे थे और घूमते घूमते बाबा एक ऐसी गली में पहुंच गए जो बड़ी बदनाम गली थी, वेश्याओं की गली थी। बाबा को खबर न था, चले गए और उस गली की एक बड़ी मशहूर बड़ी खूबसूरत वेश्या शाम का समय था श्रृंगार करके अपनी छत के ऊपर खड़ी थी, बहुत खूबसूरत। उसके रूप के चारों ओर चर्चे हुआ करते थे। स्वामी रामतीर्थ शाम का समय गुजर रहे थे और अचानक बाबा की नजर उसके ऊपर पड़ी और बाबा के कदम रुक गए। एक टक उस वेश्या को देखने लगे और उसको देखते देखते ऐसे खो गए। उनको पता ही नहीं था कि मैं कहां खड़ा हूं। आसपास जो गुजरने वाले लोग हैं उसको भी बहुत आश्चर्य हुआ कि ये स्वामी रामतीर्थ को क्या हो गया। लोगों ने बहुत कहा कि बाबा ये भोगियों की गोली है, योगियों की गली नहीं, कहां फंस गए आप। स्वामी रामतीर्थ मस्ती में उसको देखे जा रहे बड़े भाव से। अब एक संत की दृष्टि उस स्त्री ने सहन नहीं कर पाई, उस स्त्री ने स्वामी जी को निवेदन किया कि बाबा आप शायद गलत जगह आ गए हैं। हुस्न को जो बद नजर देखते हैं, बहुत प्यारा शेर कहा उसने, हुस्न को जो बद नजर देखते हैं वो पहले अपना सर कलम देखते हैं। यहां आने वाला व्यक्ति अपनी इज्जत धुलवा कराता है। बाबा चले जाओ, आप जैसे महापुरुषों की गली नहीं है। जब ऐसा कहा स्वामी रामतीर्थ की आंख में अश्रु आ गए। स्वामी रामतीर्थ रो पड़े, कहा मां तूने बहुत गलत अर्थ कर लिया, ना मुझे तुझसे गर्द ना तेरे रूप से गर्द, ना मुझे तुझसे गर्द ना तेरे रूप से गर्द, मैं तो मेरे मुसफ्फर की कलम देखता हूं कि तू इतनी सुंदर है तो भला तुझे बनाने वाला मेरा कन्हैया कितना सुंदर होगा, मैं तो मेरे मुसफ्फर की कलम देखता हूं। और उर्दू में कहावत है महबूब की हर चीज महबूब होती है, परमात्मा की हर चीज प्यारी ही है। अधरम मधुरम पदम मधुरम नयनम मधुरम 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 मधुर
जब हो जाती है तो बुराइयों में भी हमें अच्छाइयां नजर आती है। ये सदगुरु की कृपा है। उगर ही विमल विलोचन ही के मिट ही दोष दुख भवर अदनी के। जब हमारी दृष्टि हमारी आंखों में आ जाती है, ज्ञान की दृष्टि, कृपा की दृष्टि, तब हमें संसार में सर्वत्र परमात्मा नजर आते हैं, कहीं बुराई नजर नहीं आती है। तो सदगुरु की कृपा से हमारी दृष्टि धन्य होती है। और दूसरी बात, मन की पवित्रता। किसी साधु के करीब रहने से तुम्हारा मन पवित्र होता है। सीधी सी बात है, जैसा परो संग वैसा चढ़े रंग। हाँ, दुनिया वालों की संगति करोगे तो दुनिया का रंग चढ़ेगा, साधु की संगति करोगे तो राम नाम का रंग चढ़ेगा, हरि नाम का रंग चढ़ेगा। इसलिए सदगुरु की कृपा से हमारा मन पवित्र होता है, हमारी दृष्टि पवित्र होती है। और बाबा तुलसी की दृष्टि पवित्र हुई तो तुरंत संसार में सर्वत्र उनको साधु नजर आने लगे। इसलिए सदगुरु की वंदना के बाद बाबा तुलसी ने संतों को प्रणाम किया है, साधु चरित शुभ चरित कपासु। लेकिन इसकी व्याख्या कल की कथा में हम करेंगे, आज विलंब से कथा शुरू हो पाई, गलती मेरी ही थी, मैं ही थोड़ा लेट चला वहां से, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। आप लोगों को इतना इंतजार करवाया, लेकिन इंतजार का भी अपना अलग आनंद होता है, अपना मजा होता है। कोई चीज तुरंत मिल जाए तो उसकी कीमत समझ में नहीं आती है। अब जैसे साल भर इंतजार तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन आज नहीं हो रहा था इंतजार। लेकिन इंतजार के बाद कथा मिली ज्यादा आनंददायी होती है। मैं क्षमा चाहूंगा जिन लोगों को ज्यादा इंतजार मैंने करवाया। अब इसमें भी देखो, मेरी गलती भी नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने शुरू में कहा प्रभु की कृपा के बगैर कथा नहीं मिलती। 5 बजे किस्मत में कथा थी ही नहीं, 6 बजे किस्मत में कथा थी, इसलिए 6 बजे शुरू हो पाई। जब उसकी कृपा होती है ना, तभी शुरू हो पाती है। उसकी कृपा 5 बजे नहीं हो पाई होगी, 6 बजे उसकी कृपा हुई, कथा शुरू हुई। तो आज प्रथम दिन की वेला यहाँ पर हम विराम कर रहे हैं। कल 5 बजे से समय, 5 बजे ठीक 5 बजे हम प्रयास करेंगे यहाँ पहुंच जाएं। और जो लोग आज
ट्राई कर रहे थे कि आज तुम सुन कराओ, कल से हम चलेंगे, उनको भी लेकर के आना। हाँ, कई लोग ऐसे होते जो भेज देते कि तुम सुन कराओ, कल से हम चलेंगे। तो सब लोग एक दूसरे को बताएं, लेकर के आए और आइए हरिनाम स्मरण करते हुए कथा को विराम करें। सीताराम राम राम समापन। समापन के पश्चात आरती। आरती में इस कथा के मुख्य यजमान परिवार स्वर्गीय शंभुलाल जी, गुरुजी गोविंद और उनका परिवार, भूपेंद्र भाई लता बहन, साथ ही साथ आज के महाप्रसाद की यजमान और आज इस हॉल को भी हायर किया आपके परिवार ने, मुक्ता बहन दौरानिया पटेल एंड परिवार का, वो भी कृपया आरती में रहेंगे। साथ ही साथ अवेश भाई, दीपक भाई, दयालाल सलानिया जो कि उनका भी परिवार आज यहाँ उपस्थित है, और 7 दिनों तक जो महाप्रसाद हम लोग ग्रहण करेंगे उसमें आपने कटलरी की व्यवस्था की, आपका भी परिवार आरती में रहेगा। लेस्टर से हमारे चेतन भाई मालू और उनका पूरा परिवार, सभी लोग आरती के पश्चात भोजन प्रसाद ग्रहण करके ही अपने घर की ओर जाएंगे, और जिनको डोनेशन देना है वो आरती के पश्चात आपको मंदिर निर्माण में सहयोग देना है, अथवा पूज्य बापू जी का जो ट्रस्ट है जिसके द्वारा भारत की धरा पर जो सेवा के कार्य चल रहे हैं, गरीब कन्याओं का विवाह और गरीब बच्चों को शिक्षा के मार्ग से जोड़ना और गौ माता की सेवा, तो उनका भी काउंटर लगा है बहने बैठी। आपको जिसने भी सहयोग देना है आप सहयोग देकर उसकी रसीद प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आरती भूपेंद्र भाई आप सभी को आरती में सम्मिलित कराएं, और कल से ये कथा 5 बजे प्रारंभ हो जाएगी। बिल्कुल आज थोड़ा सा किसी कारणों से थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन कल समय से ये कथा प्रारंभ होगी, तो आप लोग 4:30 बजे यहाँ उपस्थित होकर कथा का आनंद लें, और नित्य ये कथा 5 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ चलेगी, तो आप उसका आनंद लें, राम कथा का आनंद लें। जैसे जय श्री राम, जैसे शुरुआत में मैंने कहा था, जिन भाई बहनों को आरती करनी है वो वहाँ से आरती की थाली ले सकते हैं, और हम उनके दाम 5 पाव रखे जो मंदिर में सहयोग में काम आएंगे, और आपको आरती के बाद वो थाली घर ले जानी है यादी के रूप में। जय श्री राम। जिनका नाम अनाउंसमेंट किया है वो लोग आरती की थाल ले लें, और जिनको भी आज आरती करनी है वो जैसा कि भूपेंद्र भाई ने बताया आप काउंटर पर नाम लिखा कर आरती ले सकते हैं।